नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और न्यूज क्लिक की टीम के साथ इस समय मैं मौजूद हूँ गुजरात के सूरत में। सूरत बहुत खास शहर है गुजरात का, देश का और दुनिया का। डायमंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ सबसे ज्यादा है। हीरा का नाम सूरत का नाम है और साथ ही साथ पाटीदार समाज का समूह यहाँ पर बहुत ही राजनीतिक महत्व रखता है, उसका दबदबा यहाँ पर है। यहाँ पर चुनाव होने हैं और यहाँ पर 16 सीटों में से 14 सीटों पर भाजपा का कब्जा है। लेकिन भाजपा बहुत परेशान है, उसकी बहुत ठोस वजहें हैं। ठोस वजह सबसे बड़ी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो इलेक्शंस हुए उसमें 120 सीटों में से 25-26 सीटें जीती और उसके बाद से बीजेपी में बहुत बड़े पैमाने पर खलबली है। आइए देखते हैं कि जिस सूरत को विकास की नगरी बताया जाता है, जो स्मार्ट सिटी सूरत है, वहां पर विकास किस तरह का है, यह आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा है। ये तमाम बच्चे बता रहे हैं कि गुजरात में बड़े पैमाने पर जो कुपोषण है, जो गरीबी है, जो भुखमरी है, वह कितनी फैली हुई है। लेकिन अफसोस, ये सारे मुद्दे गुजरात चुनाव के नहीं है। गुजरात में तो मेरे हिसाब से चेंज नहीं होगा, उसमें तो बीजेपी है। क्या कारण? कारण है कि अपना जो वोटिंग चल रहा है यहाँ पे, सब इतना ज्यादा सीट लेना थोड़ा अभी मुश्किल काम है। शुरुआत है ना इन लोगों का, तो भी अभी नई पार्टी है। कांग्रेस का चांस तो ही दिखता आपको? कांग्रेस आएगा, कभी वो हमारे सावरकुंडला में है तो धारा सभ्य है प्रताप गुदार, तो वहाँ कांग्रेस फाइनल है। अच्छा, वहाँ कांग्रेस। मतलब कांग्रेस का कोई बड़ा नेता नहीं आया, ये अच्छा रहा या खराब रहा? ऊपर की कैडर में कोई नेता अच्छा नहीं है, नीचे तो सब है, कांग्रेस में भी है। लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी आने से नुकसान हो जाता है। वो बोलते हैं। ऐसा है क्या? उसमें बहुत हम अनुमान नहीं लगा सकते। वोट मांगने आते जब सब बोलते हैं, बाद में कोई नहीं आता है किसी के भी पास, या भले राजस्थान हो या MP हो या गुजरात हो, कोई भी हो, वोट मांगने के लिए सब आते हैं। आप बता रहे थे कि बीजेपी ही आएगी, तो अच्छा क्या काम किया आपको, क्या मतलब लगता है? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब थोड़ी थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, लेकिन अभी उन्होंने ऐसा काम भी किया है, मोदी जी ने काम भी ऐसा किया है कि बीजेपी ही आएगा। जैसे हम लोग को तो ठीक ही लग रहा है, क्योंकि हम लोग को आज नौकरी है, सभी चीज़ की हम लोग को अभी दिक्कत नहीं होती है। बच्चों को स्कॉलरशिप या सब ऊपर से तो हाँ आया है जवाब कि सबको सुविधा दी जाएगी। कोरोना के बाद तो ऐसा कुछ दिखा नहीं, नोटबुक्स वगैरह कहीं पे दिखता है कि बांटा है, शेयर किया है गवर्नमेंट ने, लेकिन बहुत अब रूरल एरिया में जाके देखिए, छोटे छोटे कस्बे में नहीं मिला है। तो महंगाई तो कोई कम होने वाला नहीं है अभी, कोई बड़ा वो कम नहीं होता अभी, कभी तो बढ़ जाता है, वो कम नहीं होता फिर। कम नहीं होता। आपकी कमाई बढ़ी पहले से? मैं अभी पहले 2000 में नौकरी मिलती थी, अभी 15000 रुपये तनख्वाह ले रहे हैं हम लोग। पहले 2000 में भी काम चलाता था, कभी चला हर चीज़ का सस्ता ही था, महंगा हुआ तो महंगाई से सबसे चलाते सब लोग, क्या करें। ऐसा कुछ नहीं है कि मुसलमान सब बराबर है, मुसलमान हिंदू सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको नफरत नहीं मुसलमानों से? मेरा क्या खा रहे हैं मुसलमान से मैं नफरत करूँगा? अपना क्या खा रहे हैं, कुछ खा तो नहीं रहे मुसलमान, सभी जगह पर मुसलमान है, ऐसा थोड़ी है। सूरत पर सिर्फ न्यूज क्लिक ही की नजर नहीं है, सूरत ने भारतीय जनता पार्टी की भी नींदें हराम कर रखी हैं, और इसकी ठोस वजह है कि अहमदाबाद के बाद अगर सबसे ज्यादा सीटें, विधानसभा सीटें कही हैं, तो वह सीटें हैं सूरत में। और इसी सूरत में आम आदमी पार्टी ने गहरी पैठ बनाई है। यह पैठ भारतीय जनता पार्टी के बहुत लॉयल समझे जाने वाले पट्टीदार समाज के बीच है। यही समाज 2017 में भी आंदोलनरत था, लेकिन आखिरी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा दबाव बनाते हुए यहाँ पर अधिकांश सीटों पर विजय भाजपा को दिलाई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह की बौखलाहट है, जिस तरह से उन्होंने अपने तमाम सेनानियों को उतार रखा है, मिसाल के तौर पर योगी आदित्यनाथ से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा हो, वसुंधरा राजे हो, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सारे के सारे लोग जमीन पर उतरकर घर घर जाकर वोट मांगने की रणनीति पर अमल कर रहे हैं।
एक तारीख को वोट पड़ना है, लेकिन आज की तारीख में कुछ सीटों पर बढ़त आम आदमी पार्टी के पास दिखाई दे रही है। हालांकि यह बहुत सीमित है, बहुत सी जगहों पर कांग्रेस भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को भरोसा है कि जो उसका साइलेंट वोट है वो उसके पक्ष में खड़ा होगा। दो तीन सीटों पे सीधी टक्कर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। देखो, सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे सरकारी शाला का कुछ स्तर नहीं है। 25 लाख की आबादी में अच्छी कॉलेज ही नहीं है शिक्षा में। यहाँ पे गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज 25 लाख की बस्ती में है ही नहीं। और यहाँ जिसको पार्टी लड़ा रही है वो हेल्थ मिनिस्टर थे, लेकिन वो अपने हाथों से हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिख सकते, इसको हेल्थ मिनिस्टर बनाते हैं। तो ये जो तंत्र की जो सड़ी सिस्टम है वो सबसे बड़ी यहाँ का मुद्दा है जी। दूसरा बहुत बड़ा सवाल कि लोग कहते हैं कि अंत में बीजेपी जो है या मोदी जी कुछ करते हैं और लोग उनको वोट दे देते हैं। पिछली बार 2017 में भी ऐसा ही हुआ, इस बार आप काटने के लिए क्या करेंगे? पैसा भी उनके पास है, सोर्सेज भी उसके पास पैसा है, उसके पास दबंगा है, उसके पास दादागिरी है, उसके पास असामाजिक तत्व है, शाम दाम दंड भेद सब नीति है। हमारी पास नैतिकता है, हमारे पास ईमानदारीता है, हमारे पास विश्वास है और हमारे साथ प्रजा है और प्रजा के साथ हम खड़े रहते हैं जी। और अगर आप यहाँ से जीतते हैं तो आपने बताया कि आप स्कूल कॉलेज बनाएंगे, एक जो बेरोजगारी का बहुत बड़ा मुद्दा है वो कैसे आपको लगता है कि सरकार आप बना पा रहे हैं? बेरोजगारी वाले की जो मुद्दे की बात है उसमें केजरीवाल जी ने ये 7.5 सालों के अंदर 12 लाख लोगों को नौकरी दी ऑन पेपर। तो यहाँ पे भी गारंटी दी है कि सरकार आने के बाद 5 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों को, युवाओं को हम रोजगार देंगे। गवर्नमेंट भी इतना रोजगार देंगी, साथों साथ प्राइवेट सेक्टर की ऐसी सिस्टम डेवलप होगी, इतनी अच्छी पॉलिसी बनेगी कि वहाँ भी रोजगार की तको खुलेगी। तो एक ऐसा मॉडल बनेगा कि जिस मॉडल से हर बच्चा पढ़ता है तो पढ़ाई के बाद का जो उसका समय है, पढ़ने के बाद 1 महीना 2 महीना 10 दिन के अंदर उसको नौकरी मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आए योगी आदित्यनाथ जी और उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल पे सीधा निशाना कहा, उन्होंने कहा कि ये आतंकी लोग हैं, ये देश को तोड़ना चाहते हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री के खिलाफ एक चुनावी सभा में बोल रहे हो। एल-फिल बोलना ये सब हमारे संस्कार नहीं है, उसके संस्कार हो गए। हम देश हित की बात करते हैं, हम समाज हित की बात करते हैं, हम माँ भारती की सेवा करने के लिए हम सब लोगों के साथ खड़े रहते हैं। वो क्या करते हैं उससे हमें कुछ बात उससे नहीं करनी है। हम माँ भारती की सेवा करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। एक बात जो सूरत की विधानसभाओं से उभर रही है कि यहाँ मामला बहुत पेचीदा है और शायद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसका नेतृत्व मोदी और अमित शाह सहित पूरी ब्रिगेड परेशान है, उसके ठोस वजहें सूरत दे रहा है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी कुछ विधानसभाओं में मजबूत उपस्थिति बना चुकी है, साथ ही साथ कांग्रेस के कुछ उम्मीदवार मजबूत स्थिति में हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा सवाल हम हमेशा सूरत आकर पूछते हैं कि मतदान से पहले और मतदान तक कितने बड़े पैमाने पर चीज़ें बदलती हैं, इसका कयास खुद सूरत वाले नहीं लगा पाते हैं। और शायद सूरत में जो माहौल बना है उसने यह बताया है कि यह भाजपा का उस तरह का मजबूत गढ़ नहीं जिसका दावा वह करती रही है। लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि 2017 में 16 सीटों में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थीं और आज की तारीख में आम आदमी पार्टी ने जितने बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया है, क्या वह वोटों में तब्दील होगा? वह मशीनरी उसके पास है या फिर जिस तरह से सांप्रदायिक कार्ड खेला जा रहा है, सूरत में खेला जा रहा है, वह निर्णायक भूमिका अदा करेगा? क्योंकि गुजरात का यह चुनाव विकास पर नहीं लड़ा जा रहा, विकास के बारे में कोई बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं कर रहा। उनके पास सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान का सवाल है, पाकिस्तान का सवाल है और नफरत उनके एजेंडे में है। ऐसे में सूरत जो अहमदाबाद के बाद सबसे बड़े पैमाने पर सीटों को रखती है, यह पूरा इलाका यहाँ से तय होगा कि गुजरात में आगे तस्वीर कितनी बदलेगी। भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर होगी तो कितनी।